अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, आज है मेरे घर में मेरे घर वालों की दावत। तो बर्तन सारे मैंने पहले ही निकाल के रख लिए हैं। यहाँ पर स्पैगेटी हो रही है बॉइल, प्याज जो है वो कट चुकी है और यहाँ पर ट्राइफल की तैयारियाँ हो चुकी हैं। ये चावल मैंने लिए हैं पक्की के, क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। अगर मैं कच्चे के चावल बनाती तो मैं बनता वो क्या कहते हैं हाँ, खिचड़ी बना देती चावल की। इसलिए पहली ट्राई मैं कर रही हूँ पक्की के चावल की। ऑल द बेस्ट, सारे मुझे बोल दें। बीच में लगी हुई थी भूख तो जी, हम लोगों ने बनाए थे पकोड़े। हम लोगों ने नहीं, मैंने बनाए थे पकोड़े जी, मैंने बनाए थे। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये पकोड़े। ये सिर्फ देखने में ही प्यारे नहीं थे, ये खाने में भी बहुत मज़े के थे। तो जनाब ये देखो, ये तकरीबन हो चुकी है रेडी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब इन मोहतरम को निकालने से पहले जी, ये माशाल्लाह ये प्यारे से बर्तन मुंह चिकड़ा रहे हैं, अपना चिकड़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं कि भाई हमें धो पहले। तो जनाब पहले ये बर्तन धोते हैं, फिर जी हम पानी में से उसको निकालते हैं। बर्तन साथ के साथ धोते रहो ना, वो सही रहता है। एकदम इकट्ठे हो जाए ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इकट्ठे कर लो बर्तन, बार बार पानी में हाथ ना धो, लेकिन भाई उलझन होती है इसके अंदर बर्तन रखे हुए देख के। मतलब जो जो इस्तेमाल करो साथ साथ धो धो के रखो, ऐसे जमा मत करो। तो जी अब मैंने इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह से इसके अंदर से निकाल दिया है, ताकि ये जो आपस में है चिपके नहीं। यहाँ पर भी बन रहा है अब रायता। रायते में डालने के लिए अब हम इसके अंदर डालेंगे पुदीना और हरी मिर्चें, जो हम पीसेंगे इस क्या कहते हैं इसको, गुंडा घंटी, गुला घंटी, उतरने वाला डोरी सोटे में। तो जी अब मैंने पुदीने के अंदर डाल दिया है जी हरी मिर्चों को। अब मैं इसको अच्छी तरह से कूटूंगी। बहरहाल जो मैं वो इसको बोल रही थी ना, इसको क्या कहते हैं, वो मैंने मजाक में बोला था जी, मुझे पता है इसको क्या कहते हैं, कूटने वाला कहते हैं। बस मुझे ये बताओ आप लोगों को हंसी आई ना, मैं ऐसे ही हंसाती रही। इसके अंदर मैंने डाला है टेस्ट के मुताबिक नमक, आप अपने मतलब देख लेना ना नमक कैसे है, मतलब तेज़ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना ठीक है। कम हो जाए नमक लेकिन ज़्यादा ना हो, ओके, याद रखना मेरी ये टिप। अब मैंने ले लिया है जी लहसुन। अब मैं बनाने लगी हूँ मटन कढ़ाई। चलो जी अब बारी आ जाती है मटन कढ़ाई बनाने की। चूल्हा हमने नीचे रख लिया है, क्योंकि हम इतनी देर तक खड़े नहीं रह सकते, थक जाएंगे। हमने भी चावल भी बनाने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। नाजरीन देखना मोबाइल के चक्कर में, पहले ना मैं ऑयल डाल लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तेल गर्म हो गया था, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है गोश्त। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, मतलब फ्राई करेंगे, सॉरी कलर चेंज होने तक। अच्छा जी अदरक लहसुन का भी पेस्ट मैंने साथ इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा आप लोग कह रहे हो कि मैं कुकर में क्यों बना रही हूँ, असल में हमारे यहाँ है सिलेंडर, सही है ना भाभी, बोलो हाँ जी जी। अच्छा वाह जी जी बोल रही हूँ। अच्छा तो अब भाई ये वाला गोश्त तो अच्छी तरह से गला होना चाहिए ना, इसलिए मैं इसको कुकर में लगा रही हूँ, ताकि खाने में आसानी हो। नाज़रीन आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो भाभी बैठी है ना यहाँ पर, मुसलसल इनकी ज़बान चले जा रही है। मैंने कहा मुंह बंद करके रखना, नहीं तो इस चम्मच से मारूंगी। पता है ऐसे क्या होता है, जब मैं अपने घर होती थी ना, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो एक एक करके ना हम सारे बहन भाई किचन में घुस जाते थे। मम्मा कहती क्या तुम सारे एक एक करके अंदर आ रहे हो, ऐसे करते मैं निकल जाती हूँ बाहर, तुम लोग घुस जाओ, तुम लोग पका लो। और ऐसा सेम हाल ये भाभी यहाँ पर ज़बान चला के कर रही हैं। फॉर टेस्ट मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ बटर। तो जनाब अब मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट ट्राइफल। कुकर की सीटी जो है वो बज चुकी है। अब इसके अंदर ना मैंने वो रंग बिरंगी वाली सवैयाँ नहीं होती वो डाली थी, लेकिन वो सारी ना सारी टूट गई। तो चलो अब इसके अंदर डालते हैं एप्पल्स। ये डाल दिया, अब हम इसके अंदर डालेंगे केला, डाल दिए फिर इसके अंदर केले। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ी सी क्रीम, वो है मिल्क पैक।
अब मैंने इसको इसके अंदर निकाल लिया है। अब इसकी थोड़ी सी सजावट करेंगे। तो जनाब ये मेरा फ्रूट ट्राइफल हो जाता है रेडी। यम्मी फॉर माय टमी। आप कुकर की सीटी हो चुकी है बंद, मैंने निकाल लिया था। अब देखती हूँ गोश्त गल गया है या नहीं गला। माशाल्लाह से जी गोश्त गल चुका है। वाओ, इसको इसके अंदर ताकि आसानी से मुझे सारा कुछ नजर आ जाए। सालन हमारा हो गया है रेडी, पर ये काला काला आपको नजर आ रहा है लेकिन ये है नहीं। गार्निशिंग हम इसके बाद में करेंगे। अब मैं बनाने लगी हूँ स्पैगेटी। ले लिया जी हमने फ्राई पैन, सॉस पैन। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, को गर्म करेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम चिकन। तो जनाब ऑयल हो रहा है गर्म। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी प्याज। तो चलो जी, इतने प्याज हमारी थोड़ी सी लाइट ब्राउन होगी तो इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर चिकन। अच्छा मुझे ये बताओ, किस किस को स्पैगेटी पसंद है? हाय मुझे तो बहुत पसंद है। पता क्या, एक दफ़ा ना सबसे पहले मामू असलम ने खिलाई थी हमें, याद है आसपास सा? अगर तुम लोग ये मेरी वीडियो देखो तो मामू असलम ने इतने शौक से बनाई, इतने शौक से बनाई और हम में से किसी ने भी ना खाई। एक दो चम्मच ही हमने मुश्किल से खाए। भाई उस टाइम तो नया नया था, तो जाहिर सी बात है हम उस टाइम थोड़े से छोटे बच्चे भी थे। फिर अब तो हम दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो स्पैगेटी स्पैगेटी मैकरोनी मैकरोनी जो मिल जाए बस छोड़नी नहीं है। अच्छी बनी हो बुरी बनी हो बस खा लो। मतलब जब से हम अपने लिए हम खुद बनाते हैं तो हमें किसी और के हाथ की अच्छी नहीं लगती, हमें अपने हाथ की अच्छी लगती है। लेकिन पलवेशा भी बहुत अच्छी बनाती है और माजी भी बहुत अच्छी बनाती है। नूर हाँ बहुत वो काम चोर है लड़की, उसको ये है कि अगर मैंने बना लिया ना तो सारे मुझे कहेंगे कि बनाओ खिलाओ, इसलिए वो ज़रा पीछे पीछे रहती है। असल में वो पढ़ भी रही होती है ना, इसलिए हम उसको ज़्यादा छेड़ते भी नहीं। माज भी के हाँ पीछे हम पड़ जाते हैं। माज भी बहुत अच्छा बनाती है। माज भी बना स्पैगेटी बना, फिर जी वो खुश होकर ना फिर बना लेती है। चलो जी इसके अंदर कलर चेंज हो रहा है इसका। भाभी मुझे गिलास में पानी देने से पहले कि मेरी प्याज जल जाए। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट साथ ही इसके अंदर साथ ही ये मैंने ऐड कर दिया है जी चिकन। इसको कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से भूनेंगे हम, फ्राई करेंगे। ये देखिए जी इसका कलर हो रहा है चेंज। हाँ बाकी दुआ नूर माच की। कलर जिसका हो गया चेंज, अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मसाला पेक कलर। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर मसाला, इसको अच्छा सा हम भून लेंगे। अब इसके अंदर डाल दी हूँ मैं स्पैगेटी। साथ मैं भूल गई थी शिमला मिर्च डालनी है, तो फिर मैंने अब साथ में ये डाल दी है। थोड़ी सी हल्की आंच करना जरा जल्दी से, फिर ये क्रंची क्रंची ना शिमला मिर्च अच्छी लगती है, ठीक है ना। अच्छा मैंने तो इसके अंदर बस डाली है शिमला मिर्च, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर बंद गोभी भी डाल सकते हैं, कोई कोई गाजर भी डालता है, मटर भी डालता है। हम पहले डालते थे गाजर भी और बंद गोभी भी, लेकिन फिर वो हमें अच्छी नहीं लगती। अब बस हमें शिमला मिर्च और गाजर अच्छी लगती है तो फिर हम वही डालते हैं। तो मेरे पास बस थी शिमला मिर्च तो मैंने फिर चिकनी ही डाल दी। अब मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका। अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं डालने लगी हूँ थोड़ी सी केचप, टमाटो केचप देंगे हम। अब इसको करेंगे हम मिक्स। चलो जी ये हमारी हो गई है डन। इसको रखते हैं साइड पर और बारी आ जाती है अब चावल की। तो अब बारी आ जाती है चावल बनाने की। ऑयल हो गया है गरम, उसके अंदर डाल दी है मैंने प्याज। प्याज कम नहीं है, एक और प्याज काटना जल्दी से। अच्छा जी प्याज हल्की हल्की फ्राई होने लगी थी ना, तो फिर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और उसके बाद अब चिकन को डाल के चिकन का कलर चेंज होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। फिर इसके अंदर मैं
डालूंगी पुदीना और हरी मिर्ची का पेस्ट, फिर टमाटर और दही, और उसके बाद मसाला। मसाले जी सारा कुछ मैंने डाल लिया है और इसकी इतनी प्यारी शक्ल है। असल में धुआं इतना हो रहा है ना तो सही तरह से नज़र भी नहीं आ रहा। ये देखो